करियर इन वीडियो एडिटिंग। तो इस टॉपिक के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं, किस तरह से आपको जो है जॉब मिलेगी, सैलरी क्या रहेगी, अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कहाँ से आपको कोर्स करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप जो है एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हो तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मेरा नाम गौरव भट्ट, आप सभी का स्वागत है एनिमएफएक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट के साथ सारी चीज़ों को आपको जो है डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अपॉर्चुनिटी के बारे में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी रहेगी तभी जो है लोग पसंद करते हैं वो फील्ड में जाना, ठीक है। हालांकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्कोप और अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की रही थी, और उसमें मेरा मेन पॉइंट ये था कि अपॉर्चुनिटी जो रहती है वो आपके अंदर रहती है, बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर वीडियो एडिटर की जो है सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है और ये बढ़ते ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आप देखते रहो कि जो भी डिजिटल कंटेंट है वो ज़्यादातर जो है वीडियो फॉर्मेट में कंज्यूम किया जाता है। आप खुद ही सोच लो कि आप मोबाइल में पूरा दिन क्या करते हो, ज़्यादातर आई थिंक जो है वीडियो ही देखते होगे, और हो सकता है गेम खेल रहे हो या फिर कुछ चैटिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर कॉल के ऊपर बात कर रहे हो। बट आप मेजोरिटी देखिए कि आप जो है ज़्यादातर वीडियो कंटेंट कंज्यूम कर रहे होगे, ठीक है। हो सकता है आप YouTube वीडियो देख रहे हो सकता है कि आप Instagram पे कुछ देख रहे हो वीडियो फॉर्मेट, हो सकता है कि आप जो है अपना कुछ भी Facebook के ऊपर वगैरह जो है WhatsApp पे या फिर आप स्टेटस देख रहे हो, ठीक है, उसमें भी आप देखोगे कि वीडियो जो भी आता है उसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो इसी वजह से जो है वीडियो का जो है रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है और ये ऐसे बढ़ते रहेगा, क्योंकि वीडियो फॉर्मेट में आपको जो है ऑडियो वीडियो विजुअल मिल जाता है जिससे चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है, अच्छे से समझ में आती है और देखने में भी अच्छा रहता है। सिर्फ इमेज देखने में उतना मज़ा नहीं आता और उसमें उतना आपको इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो कंटेंट ज़्यादातर चल रहा है। अगर हम ट्रेडिशनल बात करें तो फिल्म जो भी है, ठीक है, और वेब सीरीज अभी जो बन रही है, टेलीविज़न है, वो सारी चीज़ों में जो है वीडियो को बेहतरीन तरीके से एडिट करके वहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। उसी वजह से जो है वो हम पूरा जो है वीडियो जब कंज्यूम करते वो देखते तो हमें देखने में अच्छा लगता है। तो एज अ वीडियो एडिटर आप इस फिल्म में किस तरह से आगे बढ़ सकते हो, और ये जो भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फ़िलहाल इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि अपॉर्चुनिटी कितनी रहने वाली है, क्योंकि ये जो है हम वीडियो को कंटिन्यूस कंज्यूम करने वाले हैं। आप यूट्यूब पे ऊपर देख सकते हो कि इतने सारे जो है वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और ये सारे वीडियोस को जो है लाखों करोड़ों में देखा जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो का जो है स्कोप हमेशा रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये स्कोप में आप अपने लिए जो है किस तरह से करियर बिल्ड कर सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एजुकेशन, तो आप इसमें किस तरह से सीख के आगे बढ़ सकते हो। देखो, जो ट्रेडिशनल वे होता है वो तो लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ पे लॉन्ग टाइम कोर्स, जहाँ पे जो है फुल कोर्सेज रहते हैं, शॉर्ट टाइम कोर्सेज भी रहते हैं, डिप्लोमा रहता है, डिग्री रहते हैं, इस टाइप के प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी रहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादातर मैंने देखे नहीं है कि ये सारे स्किल सिखा रहे हो। बट अभी कुछ नया अपडेट आया हो तो कमेंट में अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज बताओ तो ज़रूर बताइएगा, मेरे अभी ध्यान में नहीं है। बट जो भी फिल्म मेकिंग के कोर्सेज करवा रहे होते हैं वहाँ पे एक वीडियो एडिटिंग का भी स्किल सिखाया जाता है, और जो भी लोग फिल्म एडिटिंग करना चाहते हैं वो फिल्म मेकिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें उनको वीडियो एडिटिंग भी सिखाया जाता है, साथ में जो फिल्म कैसे बनती है वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे एक्सप्लेन करी जाती है, ठीक है। तो आगे मैं आपको करियर फील्ड्स कौन कौन से है ये इंडस्ट्री में एज अ वीडियो एडिटर उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो वहाँ पे हम अलग अलग जो भी जॉब प्रोफाइल्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट अभी जो है एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया, आप इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो, यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, जहाँ पे वीडियो एडिटिंग का कोर्स या फिल्म मेकिंग का कोर्स हो रहा हो, ठीक है। फी की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टाइम कोर्स है, सिर्फ आपको जो है सॉफ्टवेयर का नॉलेज दिया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है एडोब प्रीमियर, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट या फिर जो है फाइनल कट प्रो, ये सारे सॉफ्टवेयर अगर आपको सिखाए जा रहे हैं तो करीबन 30,000 से 40,000 या 50,000 या फिर 60,000, ये कौन सी सिटी में कहाँ पे कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अगर आपको जो है साथ में एक्टिंग और जो है साउंड एडिटिंग वगैरह के भी नॉलेज दिया जा रहा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग का, लाइटिंग का जो है,
किस तरह से वीडियो को शूट करना है वो भी सिखाया जा रहा है, मतलब कि जो भी फिल्म मेकिंग का प्रोसेस सिखाया जा रहा है। तो 1-2 लाख रुपीज़ जो है का जो है फीस स्ट्रक्चर रहता है, और अगर आप बड़े फिल्म मेकिंग जो है इंस्टीट्यूट में जाते हो तो करीबन वहाँ पे 3-4 लाख रुपये भी आपको पे करने पड़ते हैं। अगर आप जो एनिमेशन वीएफएक्स का पूरा कोर्स कर रहे हो तो वहाँ पर भी वीडियो एडिटिंग सिखाया जाता है, वहाँ पर भी जो है 3-4 लाख रुपये का करीबन जो है फीस स्ट्रक्चर रहता है। वो आपके ऊपर है, आपके पास कितना टाइम है और आप कितनी चीज़ों को ज़्यादा सीखना चाहते हो, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा सीखे हो, ज़्यादा चीज़ें को जो है जानते हो तो आपको जॉब मिलेगी, पहले मिलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे आपका काम देखा जाएगा, जो भी आपने सीखा है उससे आप क्या क्रिएट कर पाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो करीबन मैंने बात करी कि ये सारी फीस स्ट्रक्चर और टाइम रहता है आपको सीखने का। अभी आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप कुछ खर्चा करो। अगर आप बहुत सारी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसको आप सर्च करोगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएगी आपको सीखना क्या है। तो एडोब प्रीमियर सीख लो, फाइनल कट प्रो सीख लो, आफ्टर इफेक्ट सीख लो और फोटोशॉप सीख लो एक बेहतरीन वीडियो को एडिट करने के लिए प्रोफेशनली, ठीक है। और बाकी आप फिल्मोरा यूज़ कर सकते हो नॉर्मल वीडियो के, और मोबाइल से कर रहे हो तो काइम मास्टर करके है, VN करके एक फ्री एप्लीकेशन है, उससे भी आप वीडियो को एडिट करना सीख सकते हो। अभी ये पूरा प्रैक्टिकल फील्ड है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका जो है स्किल डेवलप होता जाएगा, और उसके और जो भी आप प्रैक्टिस करो उससे भी आपका नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप सीख लेते हो अच्छे से तो जॉब और सैलरी कितनी मिलती है। तो जॉब के लिए आपको जो है अपना जो भी एक छोटा बहुत वीडियो एडिट करा हो उसको आपको दिखाना रहता है, और एक रिज्यूम बना लीजिए सबमिट करने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, और इंटरव्यू वगैरह में प्रैक्टिकल टेस्ट में आपको वीडियो को एडिट करके दिखाना रहता है, ठीक है। और उससे आपका जो है स्किल को वहाँ पे देखा जाएगा, किस टाइप का आपका स्किल है और किस चीज़ का आप वीडियो एडिट अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। और किस चीज़ का अच्छे से वीडियो एडिट कर पाते हो, उससे कहने का मतलब ये है कि या फिर मतलब बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि आप फिल्म का एडिटिंग कर सकते हो, या फिर सोशल मीडिया के वीडियोज़ है उसका एडिटिंग कर सकते हो, या फिर आप वेडिंग्स और जो भी इवेंट्स है उसके वीडियो को आप अच्छे से एडिट कर सकते हो, टाइटल को अच्छे से मतलब क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप सॉन्ग को अच्छे से एडिट कर सकते हो। क्या चीज़ की आपकी स्किल ज़्यादा डेवलप हुई है या फिर आपने करी है उसके ऊपर जो है आपका सैलरी जो है डिसाइड होता है। और जॉब प्रोफाइल भी वहाँ पे मतलब जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर लिखा ही होता है कि हमें एक इवेंट वीडियो एडिटर की ज़रूरत है। इवेंट वीडियो एडिटर में क्या क्या आता है, तो जैसे मैंने बताया वेडिंग, फिर बर्थडे पार्टी का कोई वीडियो एडिटिंग है, या फिर कोई एक सॉन्ग का मतलब पूरा जो है एक स्टेज शो हुआ है उसका कोई वीडियो एडिटिंग है, स्कूल का कोई फंक्शन है उसका वीडियो एडिटिंग है, तो इस टाइप के इवेंट वीडियो एडिटर जिसको बोला जाता है। तो आगे मैं सारे आपको फील्ड के बारे में बताता हूँ कि किन किन जॉब प्रोफाइल के ऊपर आप अपना स्किल डेवलप करके अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेश मतलब सैलरी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो, जस्ट अपने अभी इंडस्ट्री में सिखाए और अभी यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो करीबन जो है आप 8 से 10 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हो। अभी ये डिपेंड करता है आपका स्किल के ऊपर और सामने वाला जो भी कंपनी है या स्टूडियो है वो क्या पे स्केल दे रहे हैं, ठीक है। 8 से 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार ये वेरी करता है सिटी वाइज। अगर आप जो है मेट्रो सिटी जहाँ पे मुंबई पुणे बेंगलोर में हो तो 15-20 हज़ार नॉर्मली वहाँ से स्टार्ट होता है जो मतलब सैलरी। और बाकी गांव से आप कर रहे हो या फिर छोटा कोई सिटी है वहाँ पे 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार के करीबन जो है सैलरी आपको मिल सकती है। 2-3 साल के बाद आपका स्किल कितना है, आप कितना आउटपुट जल्द से जल्द निकाल सकते हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इंक्रीमेंट जो है साल भर में होता है, 1 साल बाद आपको जो है 2000-5000 मतलब 10% 8-10% के आसपास जो भी आपकी बेस सैलरी है उसके ऊपर आपको इंक्रीमेंट मिलता है। और ये सारी हो गई सैलरी और जॉब के बारे में बात। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है बिजनेस के बारे में, कि आप खुद का अगर स्टार्ट करना चाहते हो एक पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी या फिर स्टूडियो या फिर एक छोटा सा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेके काम करना चाहते हो घर पे बैठ के ही, तो आप कैसे करोगे और क्या आपको पे मतलब आपको प्रोजेक्ट्स किस तरह के मिल सकते हैं और क्या चार्ज आप कर सकते हो। देखो
अगर आप नहीं चाहते जॉब करना, बट रिकमेंड करूँगा 1 से 2 साल कहीं पे जॉब करो और उसके बाद एक्सपीरियंस ले लो, देन आप जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, या फिर खुद का कोई भी 2-3 जने मिल के काम कर रहे हो तो आप उसको स्टूडियो भी बोल सकते हो, अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो फ्रीलांसर आप बोल सकते हो। तो एज अ फ्रीलांसर जब आप काम कर रहे हो तो स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे और उसमें 2 से 5 मिनट का वीडियो अगर आप एडिट करके दे रहे हो, ठीक है, तो आप उसके लिए कुछ 1000 रुपये से 1500-2000 तक आप चार्ज कर सकते हो। और अगर आप इवेंट वीडियो, मान लो कि आप जो है वेडिंग के जो वीडियोस होते हैं उसका अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे 1 आवर का जो भी उसका वीडियो रहता है उसका अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर भी जो है 1000 से 1500 के आसपास आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है चार्जेस के बारे में बात करी मैंने। अगर आप जो है मूवी का, सॉन्ग का, ठीक है, उसका एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, अगर उस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं तो वो फिर आपकी स्किल के ऊपर और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका बजट है उसके ऊपर रहता है। करीबन जो है आप 50,000 से 1 लाख के आसपास पर सॉन्ग या फिर पर एक एपिसोड चार्ज कर सकते हो, बट ये डिपेंडेंट है कि आपका स्किल लेवल क्या है और बजट क्या है सामने वाले का। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कि अगर आप 2-3 साल के बाद आप एक्सपीरियंस आपको हो जाता है तो नॉर्मली ये चार्जेस में थोड़ा बहुत आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपनी स्किल के हिसाब से, जो भी आप कम टाइम में अगर डिलीवर कर रहे हो तो उसको भी वहाँ पे कंसीडर कर सकते हो और एक्यूरेसी भी वहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बिजनेस और फ्रीलांसिंग के बारे में बताई। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि कैरियर फील्ड्स कौन कौन से, जॉब प्रोफाइल्स कौन कौन से, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपका जो है स्किल लेवल होना चाहिए तभी आप जो है ये फील्ड में अच्छे से सर्वाइव करोगे, क्योंकि जितना अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है उतना ही कंपटीशन ज़्यादा है इस फील्ड में, ठीक है। वीडियो एडिटिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 15-20 दिन अगर YouTube पे भी देखोगे तो Adobe Premiere या Filmora पे आप वीडियो एडिट करने लग जाओगे, और काफ़ी लोग मैंने देखे कि मोबाइल से ही बहुत ही बढ़िया एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। और बात वीडियो एडिटिंग की नहीं है, बात जो भी है वो आपकी स्किल की बात है, ठीक है। तो वो स्किल अकॉर्डिंग आप एक जो भी फील्ड चूज करें उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अभी कौन कौन से फील्ड जो है उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कैरियर फील्ड्स कुछ लिखे हुए जिसमें आप एज अ वीडियो एडिटर अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिल्म एडिटर की। अगर आप फिल्म एडिटर बनते हो तो सबसे पहले आपको सीखना रहेगा, फिल्म मेकिंग का कोर्स करना रहेगा जिसमें आपको फिल्म किस तरह से बनती है, लाइटिंग कैसे होती है, सेट के ऊपर वीडियो शूट कैसे होता है, कैमरा कैसे एंगल्स वगैरह डाले जाते हैं और फिर उसका एडिटिंग वगैरह कैसे होता है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और खुद आप फिर बैठ के एक एपिसोड को वहाँ पे एडिट करते हो, मल्टीपल कैमरा से जो है पूरा शूट हुआ होता है, तो वहाँ पे कौन सा शॉट कितनी देर दिखाना है, बैकग्राउंड स्कोरिंग डाल के म्यूज़िक के साथ कब कब कट लगाना है, कहाँ पे ट्रांजिशन की ज़रूरत है या फिर कहाँ पे कुछ विजुअल एलिमेंट्स डालने हैं, तो ये सारी चीज़ें एक वीडियो एडिटर बैठ के करता है। साथ में जो है डायरेक्टर और उसके पास एक स्क्रिप्ट रहता है, वो भी जो भी एपिसोड है या मूवी है उसका जो भी स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है वीडियो एडिटिंग करना रहता है। और ख़ास करके वहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि जो भी स्टोरी है, जो भी उनका एक एपिसोड है, उसका जो भी ऑडियंस को ऐसे ग्रैब करके रखना है, इंटरेस्टेड कंटिन्यू इंटरेस्ट उनको रहना चाहिए, उस तरह से एडिटिंग करना रहता है। क्योंकि अगर आप एडिटिंग का एक रूल देखो ना कि कोई भी वीडियो को आप 5 से 7 सेकंड के बाद कुछ चेंज कर देते हो वीडियो में, तो वो देखने में लोगों को पसंद आता है। कंटिन्यूस अगर एक ही कैमरा एंगल से एक ही चीज़ और एक ही जो है चीज़ों को जो है दिखाया जाए तो लोग धीरे धीरे बोर होने लगते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि सॉन्ग्स में ज़्यादातर जो है 2-5 सेकंड, 7 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर कोई भी या तो कैमरा एंगल चेंज हो जाता है या फिर थोड़ा जूम इन जूम आउट कर लेते हैं या फिर पूरा सेट पीछे का चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को जो है एक वीडियो एडिटर को ध्यान में रख के एडिटिंग करना रहता है। तो ये सारी स्किल को डेवलप करना रहता है। और फी सैलरी यहाँ पे देखो ज़्यादातर तो क्या होता है कि जो फिल्म एडिटर होते हैं, ठीक है, जो भी वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर एक इंडिविजुअल रहते हैं या फिर कोई प्रोडक्शन के साथ जो है जुड़े रहते हैं, तो वहाँ पे सैलरी उसकी डिपेंडेंट होती है जो भी वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो आप एक तरीके का फ्रीलांस भी बोल सकते हो, एक तरह की जॉब भी बोल सकते हो।
तो इस टाइप का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। वहाँ पे वो 9 to 5 वाला काम नहीं रहता है, क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट्स का जो है काम रहता है तो वहाँ पे कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। ज़्यादातर टाइमिंग फिक्स रखते हैं ये लोग, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कंटिन्यूस काम करवाते रहते, बट जब भी डेडलाइन होता है तो ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देना रहता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इन का टाइम जो है फिक्स नहीं होता है और आउट का टाइम भी फिक्स नहीं होता है। काफ़ी वीडियो एडिटर मैंने देखे है कि वो सुबह 11 बजे 12 बजे आते हैं और रात को पता नहीं वो कितने बजे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्रिएटिव फील्ड है। एक बार आपका जो है एक ट्रैक में काम चल रहा है तो उठने का मन नहीं होता है, क्योंकि अगर आप उठ गए और फिर से एडिट करने बैठोगे तो पूरा जो है वो मूड बिगड़ जाता है और फिर से आपको वो देखना पड़ेगा। 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का आपको फिर से देखना पड़ेगा कि मैंने कौन से फ्लो में चल रहा था और क्या आगे एडिट करना है। तो इसीलिए जो है ज़्यादातर जो भी वीडियो एडिटर फिल्म एडिटर रहते हैं वो कंटिन्यूस काम करना पसंद करते हैं बिना डिस्टर्बेंस के, क्योंकि वो पूरा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कितनी सारी चीज़ें उसके पास होती है, ऑडियो को मैनेज करना है, वीडियोस के कट्स लगाने, जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस के पास पड़े हैं उसको पीछे अरेंज करना है, और कलर करेक्शन के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, साउंड की क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है, वॉइस ओवर जो भी हो रहा है उसमें बीच में कोई नॉइज तो नहीं आ रहा है, तो अगर वो आ रहा है तो उसको रिमूव करना है। तो ये सारी चीज़ों को जो है ध्यान पे रख के जो है इसको एडिट किया जाता है। और एडिटर का काम आसान नहीं है, बट जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग उन लोगों के लिए फिर वो धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि टेलीविज़न का भी क्या है, टेलीविज़न स्टूडियो एडिटर, ठीक है। अभी यहाँ पे टेलीविज़न में जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए एक अलग क्यों हमने रखा है, फिल्म एडिटर और टेलीविज़न का जो भी स्टूडियो है वहाँ पे काम करे, दोनों में फ़र्क क्या है। तो टेलीविज़न पे आप देखोगे कि सीरियल्स जो होती है उसमें हर एक 5 मिनट या 10-15 मिनट में एक ब्रेक आता है, तो वो जब भी ब्रेक आने वाला है उस टाइम इस तरह से वो एडिट करे कि एक सस्पेंस बना रहे कि ब्रेक के बाद देखने का लोग जो है इंतज़ार करें कि भी जैसे ब्रेक खत्म होगा आगे क्या होने वाले हमको देखना है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट में वो चीज़ मेंशन होती है, उसी तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई होती है, बट एक वीडियो एडिटर का वो भी काम होता है कि वो चीज़ कंटिन्यूस जो है विजुअली दिखे, क्योंकि वहाँ पे शूट तो मल्टीपल कैमरा से कर लिया है, ठीक है, बट वो वीडियो एडिटिंग में भी वो चीज़ जो है ऐसे लगनी चाहिए कि आगे सस्पेंस होने वाला है कुछ, ठीक है। तो उस टाइप से पूरा एडिटिंग किया जाता है, बैकग्राउंड स्कोरिंग उस तरह से पीछे डाला जाता है कि जिससे वो सस्पेंस बना रहे। तो इसीलिए जो है ना, जो एक फिल्म बनाते हैं उसका एक जो भी वीडियो एडिटर रहता है उसका एक एडिटिंग करने का जो स्टाइल रहता है वो अलग रहता है, एक टेलीविज़न में जो वीडियो एडिट कर रहा है उसका जो एडिटिंग का स्टाइल पूरा अलग रहता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट रखा हुआ है, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिन्होंने फिल्म में एडिटिंग किया उसको ज़्यादातर उस टाइप का एक वर्क मिलता रहता है, और जिसने टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम किया उसको कंटिन्यूस उसी तरह का काम मिलता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियर, ठीक है, और उसका जो भी वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, ओके। तो ये चीज़ क्या है, ठीक है, थोड़ा यह वीडियो एडिटर से मैंने थोड़ा अलग लिखा है। तो मैं YouTube पे सर्च कर रहा था और Google पे सर्च कर रहा था कि मतलब जो भी ब्रॉडकास्टिंग रहती है, जैसे कि न्यूज़ चैनल सारी आ गई और DD न्यूज़ हमारी जो है और दूरदर्शन चैनल है, तो उस टाइप की जो भी चैनल्स है ब्रॉडकास्टिंग वहाँ पे जो भी वीडियो एडिटिंग वगैरह होता है, ठीक है, वहाँ पे जो भी एडिटर रहता है तो उसका जॉब प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें आती है, तो वहाँ पे मैंने मेजॉरिटी देखा कि उनको जो है लाइव एडिटिंग और ऑफलाइन एडिटिंग दोनों चीज़ें आनी चाहिए। और लाइव एडिटिंग क्या होता है कि जो भी चीज़ें स्टूडियो पे लाइव इंटरव्यू चल रहा है तो उसको आपको एट अ टाइम जो है एडिट करना होता है, मल्टीपल कैमरा है तो उसको स्विच करना है मिक्सर की मदद से, या फिर कुछ नीचे स्क्रॉल में दिखाना है टेक्स्ट जा रही है, या फिर बीच में कुछ गाना दिखाना है, या फिर बीच में कोई दूसरा वीडियो दिखाना है, तो ये सारी चीज़ें लाइव मैनेज करी जाती है जिसको लाइव वीडियो एडिटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो है ऑफलाइन एडिटिंग, तो मतलब ऑनलाइन एडिटिंग बोलते हैं, सॉरी, लाइव तो वीडियो रहता ही है उसको जो है ऑनलाइन एडिटिंग बोलते हैं, और दूसरा जो है ऑफलाइन एडिटिंग बोलते हैं, जो हम आराम से बैठ के पूरा रिकॉर्ड हो जाने के बाद उसको हम बैठ के एडिट करते हैं। तो ये दोनों स्किल जो है उसके पास अच्छी होनी चाहिए, जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं लाइव शूट करते टाइम वो सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, और एक जो एडिटर रहता है बैठा हुआ रहता है वो जितने भी कैमरा मेन है उसके जो है कंटिन्यूस एक हेडफोन लगे होते हैं, हर एक
के पास, उसके साथ जो है कंटिन्यूस जो है वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं कि भाई अभी नेक्स्ट शॉट तुम्हारा है, आप जूम करके जो है एकदम क्लियर पिक्चर रखो, नेक्स्ट शॉट तुम्हारा लेने वाला हो, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यूस जो है एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, चीज़ों को शेयर करते रहे कि भाई नेक्स्ट शॉट तेरा है, नेक्स्ट शॉट तेरा है, जिसको जिसका शॉट है, तो वहाँ पर नाम वगैरह से वो लोग कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट जो भी अभी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा वो है मार्केटिंग वीडियो, ठीक है। तो मार्केटिंग वीडियो एडिटर का जो काम होता है वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि फेसबुक एड, यूट्यूब एड आपने देखी होगी। इसके अलावा जो है सोशल मीडिया के अलावा जो ट्रेडिशनल वीडियोज टीवीज पे आप देख रहे हो, जहाँ पे बीच बीच में एड वगैरह आती है, तो वहाँ पर भी जो वीडियो एडिटर का काम रहता है, बेसिकली जो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज है ज़्यादातर, ठीक है, जो भी मार्केटिंग पर्पज़ से जो है वीडियोज़ को क्रिएट कर रहे हैं, और उसका जो एडिटिंग का काम रहता है वो पर्टिकुलर वो एक स्किल के बेस के ऊपर वीडियो एडिटिंग करता है। तो उसका जो स्किल है ना, वो वीडियो एडिटिंग का जो करने का स्टाइल रहता है वो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो है छोटे टाइम में वीडियो में एक तो स्टोरी टेलिंग प्रॉपर हो जाना चाहिए, जो भी उनका प्रोडक्ट दिखाना है वो जो है अच्छे से प्रेजेंट हो जाना चाहिए कम से कम टाइम में, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज ये रहता है कि उनको जो 15 सेकंड के एड में या फिर 30 सेकंड के या फिर 5 सेकंड के एड में जो है जो भी स्टोरी है, जो भी प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है, वो उस टाइप से एडिटिंग करके उसको दिखाना होता है, क्योंकि शूट तो बहुत सारा होता है, ठीक है, क्रिएटिवली मल्टीपल कैमरा से बहुत सारा शूट करके जो है इतना फुटेज आता है, बट उसको जो है कम से कम सेकंड में जो है एक एक्सपर्टाइज के मदद से जो है एडिट करा जाता है कि हमें वो थोड़े से सेकंड में ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है मार्केटिंग का जो भी एडिटिंग वगैरह करते हैं उसकी भी एक्सपर्टाइज अलग है, उसका एक्सपीरियंस अलग से होता है, तो कंटिन्यूस वही फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसकी तरफ आप देख सकते हो। काम तो सब वीडियो एडिटिंग ही कर रहे हैं, बस उसका जो काम करने का तरीका है, उसका जो एक एडिटिंग का स्टाइल है, वो सबका डिफरेंट रहता है। नेक्स्ट अभी हम जैसे बात कर रही थी मैंने कि इवेंट वीडियो एडिटर, तो यहाँ पे जितनी भी इवेंट्स है, वेडिंग है, बर्थडे है, या फिर आप देखते हो कि जो स्कूल में फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो इसने जितने भी इवेंट हो रहे हैं और उसका एडिटिंग हो रहा है, उसमें भी जो है ऑनलाइन एडिटिंग और ऑफलाइन एडिटिंग आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच भी चल रहा है तो वहाँ पर भी जो है ऑनलाइन एडिटिंग होता है, तो वो भी एक आप इवेंट वगैरह की तौर पर ले सकते हो, ठीक है। तो जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी डांस फंक्शन हो रहा है कुछ, तो उसका भी जो भी एडिटिंग है, ठीक है, उसको लाइव किया जाता है, उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, या फिर लाइव उसी स्क्रीन के ऊपर वहाँ पर ही आजू बाजू जो है बड़ी स्क्रीन में दिखाया जाता है, तो वहाँ पे तब होता है ऑनलाइन एडिटिंग। तो उसके लिए जो भी इक्विपमेंट है और जो भी एडिटिंग करने का स्टाइल है वो आपको प्रैक्टिस करने के ऊपर ही आएगा, उस चीज़ में आप जब आगे बढ़ोगे, ठीक है। नॉर्मली बेसिक जैसे फिल्म मेकिंग का कोर्स कर लो, या फिर आप यूट्यूब से थोड़ा बहुत प्रीमियर या फिर फाइनल कट प्रो उस टाइप का सीख लो, और दूसरे अगर मैं एडवांस लेवल के जो सॉफ्टवेयर देवांशी क्या था देवांशी करके एक सॉफ्टवेयर है, सॉरी मुझे ज़्यादा वो सॉफ्टवेयर के नाम आते हैं बट वो उसका नाम ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बट देवांशी रिजोल्व करके ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है, और एक सॉफ्टवेयर और है, नाम भूल गया, मैं उसका एक पोस्ट बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे या फिर अपने सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टाग्राम पे, ठीक है, उसका लिस्ट वगैरह सॉफ्टवेयर का, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे सॉफ्टवेयर के नाम दे दूंगा। अभी नेक्स्ट जो बात कर रहे थे हम कि इवेंट की, तो इवेंट में जैसे बताया कि मेन जो है ऑफलाइन एडिटिंग जब करते हैं तो ज़्यादातर वेडिंग का काम मिल जाता है, अगर आप छोटे सिटी से हो, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा कुछ ये फिल्म का या वेब सीरीज़ का वगैरह का कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आप को इवेंट के सारे बहुत सारे जो है एडिटिंग के काम मिल जाएंगे, जैसे कि वेडिंग का जो भी वीडियो एडिटिंग है, जहाँ पे आपको टाइटल बना रहते हैं, सॉन्ग्स को क्रिएट करना रहता है, और हाईलाइट्स बनानी रहती, और सारे जो वीडियोस की उसके उसको एडिट करना रहता है, जो भी शूट हो रखा है उसको एडिट करना होता है। नेक्स्ट आता है कॉरपोरेट वीडियो एडिटर, जहाँ पे अगर कोई बड़ी कंपनी है उस वहाँ पे कंटिन्यूस जो है वो लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, प्रमोशनल कर रहे हैं, या फिर अपना प्रोडक्शन का जो भी कुछ हो रहा है वहाँ पे शूट वगैरह हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को जो है एडिट करना और उसको फिर उनकी वेबसाइट पे या फिर उनका जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह हो रहा है वहाँ पे दिखाने के लिए कंटिन्यूस अगर उनका ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है, तो को एक वीडियो एडिटर की उनको भी रिक्वायरमेंट रहती है।
जो कंटिन्यूस उनके जो भी चीज़ें, जो भी कंटेंट जनरेट हो रहा है उसको वो एडिट वगैरह करता रहता है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट कॉरपोरेट वीडियो एडिटर भी आप बन सकते हो उस फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है तो। नेक्स्ट जो है सोशल मीडिया कंटेंट एडिटर, अभी सबसे ज़्यादा जो बूमिंग पे है, अगर आप कहीं पर भी बैठ के काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप बड़े सिटी में जाके जॉब करो। एज अ फ्रीलांसर भी आप सोशल मीडिया वीडियो एडिटर बन सकते हो, जहाँ पे वीडियो मतलब कि यूट्यूब के वीडियो को एडिट करो या फिर इंस्टाग्राम के वीडियो को या फेसबुक के वीडियो को। अभी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये पड़ता है टाइमिंग का होता है। यूट्यूब पे अगर आप लॉन्ग वीडियो एडिट कर रहे हो तो उसका एक पूरा जो है टाइमिंग और उस हिसाब से वहाँ पे एडिटिंग करना रहता है। अगर आप शॉर्ट्स को एडिट कर रहे हो, रील्स को एडिट कर रहे हो तो उसका एक साइज़ फॉर्मेट और सारी चीज़ें डिफरेंटली एडिट की जाती है। तो उसमें अगर आपको एक एक्सपर्टाइज डेवलप करनी है तो वो एक फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद है OTT कंटेंट एडिटर, जहाँ पे आप जो भी OTT प्लेटफॉर्म है जैसे कि Amazon Prime है, Netflix है और Hotstar है, तो वहाँ पे वो लोग अपने खुद के अभी वेब सीरीज़ वगैरह बना रहे हैं। और यहाँ पे आप इन जो भी OTT के जो है कंटेंट एडिटर है, इसको जो है वेब कंटेंट एडिटर भी बोला जाता है। तो वेब कंटेंट एडिटर भी आप बन सकते हो, जहाँ पे पर्टिकुलर आप वेब सीरीज़ वगैरह का जो है एडिटिंग वगैरह करते रहते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो एक वीडियो एडिटिंग फील्ड में जो भी नॉलेज रिक्वायर है, जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, आई थिंक वो मैंने सारी चीज़ आपको प्रेजेंट करी है। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, इसके ऊपर मैं या तो आपको रिप्लाई कर दूंगा, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी कि वीडियो बना के बताने की ज़रूरत है तो वो वीडियो बना के बता देगी। आई थिंक जो है वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइप की अगर आप लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे, थोड़ा आप भी अपना जो है कंट्रीब्यूशन करोगे, तो मैं कंटिन्यूस इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय।